तो सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल लगातार जारी है। बताएं, विपक्ष के विरोध स्वरूप अब संसद से निकलकर सड़क तक यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष की 14 पार्टियां संसद से जंतर मंतर तक मार्च कर रही हैं और जंतर मंतर पर पहुंचकर किसानों की मांगों का समर्थन इस दौरान विपक्ष ने किया है। इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हैं। संसद में लगातार गतिरोध देखने को मिला और अपने विरोध को और भी ज्यादा ताकत देते हुए विपक्ष खुलकर किसानों के साथ में सड़क पर बैठ गया है। आज राहुल गांधी की ये कहा जाए कि उनकी मौजूदगी में जिस तरह से सदन से निकलकर ये मार्च सड़क तक पहुंचा जंतर मंतर पर, वो जंतर मंतर जहां पर किसान संसद लगा रहे हैं, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को अब जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं उसी तरह से अब विपक्ष उनके साथ में खड़ा हुआ है। रंजीता इस समय टाइम्स ऑन अभारत संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रही है। रंजीता, इस समय क्या हो रहा है? देखिए, आज जंतर मंतर पर सभी सांसद पहुंचे हैं क्योंकि ये किसान संसद है और पहले ही इस किसान संसद ने ये रूल बनाया था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम मंच पर जगह नहीं देंगे। यही कारण है कि जो सांसद यहाँ पहुंचे हुए हैं वो नीचे है गेस्ट के तौर पर, और मंच पर अलग अलग जो किसान नेता है वो मौजूद है, अलग अलग जो जानकार यहाँ पहुंचे हुए थे जो डिस्कशन कर रहे थे उन लोगों को वहाँ मंच पर जगह दी गई है। जो नेता आए हुए हैं उनको ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप गेस्ट के तौर पर यहाँ रहे क्योंकि यहाँ चर्चा चल रही है तीन कृषि कानून को लेकर। एमएसपी पर अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी और तमाम जो तीनों कानून है उसको लेकर क्या किसान नेता सोचते हैं, उसको लेकर सरकार से किस तरह से बात की जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। जो नेता है वो यहाँ उनको समर्थन करने आए हैं क्योंकि जब ये सवाल किया गया कि संसद में बहस तो नहीं कर रहे आप, फिर आप यहाँ आकर क्या करना चाहते हैं, जंतर मंतर पर क्या करना है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और जो किसान संसद चल रहा है जहाँ किसान नेता पहुंचे हुए हैं उनके बीच जाकर उनका समर्थन करेंगे। ये एक संकेतात्मक समर्थन है उनके लिए और उस वजह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। संबोधन करने का मौका यहाँ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये देखना होगा क्योंकि बिल्कुल रंजीता जगह उनको नहीं दी गई है क्योंकि राजनीतिक मंच इसको किसान नेता नहीं बनाना चाहते हैं। बिल्कुल रंजीता, मैं यही सवाल पूछना चाह रही थी, क्या संबोधन होगा? हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते चले। देखिए, भीड़ में आपको बीच में जो सफेद मास्क लगाए जो चेहरा नजर आ रहा है, दरअसल वो राहुल गांधी है। जी हाँ, राहुल गांधी अब जो तमाम विपक्ष के नेता है, 14 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ में जंतर मंतर मार्च करते पहुंचे हैं। हालांकि मंच पे जगह नहीं दी गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ही है। और अमित मिश्रा भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, जिस जगह पर आप मौजूद हैं जरा बताइए कि विपक्ष का अब किस तरह से रुख है, किस तरह से वो इस मार्च को, इस प्रदर्शन को किसानों की आवाज बनाते हुए आगे उठा रहे हैं। माफ कीजिएगा, अनुज मिश्रा है मेरे साथ में। अनुज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बताइए कि इस समय क्या हो रहा है। जी देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इस वक्त जो जी देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पहुंचने के बाद जो किसानों ने साफ तौर पर पहले ही ये कह साफ कर दिया था कि किसी भी नेता को मंच नहीं दिया जाएगा, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए विजिटर गैलरी होता है, दर्शक दीर्घा होता है, वहाँ पर वो बैठ के संसद का जो सत्र चलता है उसे सुन सकते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से दर्शक दीर्घा में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो किसान संसद सत्र चल रहा है उसे सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही करीब 3 बसों में ये तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उसके बाद जिस तरीके से किसानों ने साफ कर दिया था कि मंच किसी भी नेता को नहीं दिया जाएगा, वो दर्शक दीर्घा में बैठकर किसान संसद सत्र जो चल रहा है उसे सुन सकते हैं। ऐसे में तमाम जो नेता हैं फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो इंसान संसद सत्र चल रहा है उसे बाकायदा जो है वो सुन रहे हैं। तो साफ तौर पर राहुल गांधी भी जब यहाँ पर पहुँचे थे उनके हाथ में एक बैनर था जिसमें लिखा हुआ था कि सेफ फार्मर, यानी साफ तौर पर किसानों के समर्थन में ये तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम नेता आरजेडी के नेता मनोज झा यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर विस्टर गैलरी में बैठकर संसद सत्र जो चल रहा है किसानों का उसे सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो अनुज मिश्रा दिखा रहे हैं, जो रंजीता झा दिखा रही हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीर है। दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन उसी तरह से उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर किसान संसद भी जंतर मंतर पर चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है अनुज कि आखिर आगे इन नेताओं की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मंच पर तो जगह नहीं मिली, वहां पर जो आम किसानों के साथ में यहाँ पर तमाम नेता बैठे हैं, अब विपक्षी नेताओं का आगे का रुख क्या होगा? इस बात पे गिला है कि हमारे सांसद हमारे मुद्दों पे अनदेखी करते रहे। हम इसके पैरेलल जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बैठे हुए, मंच उन्हें नहीं दिया गया है। और किसानों ने भी ये साफ तौर पे ये कह दिया था कि किसी को राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो उनकी मांगे हैं, जो उनका जिस चीज़ को लेकर उनका आंदोलन चल रहा है, ऐसे में जो लोग समर्थन करने के लिए आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और इसी वजह से बाकायदा विजिटर गैलरी बनाई गई है और यहाँ पर ये भी हिदायत दी गई है कि जो तमाम नेता हैं वो मीडिया से बात न करें, यानी राजनीति करने का मौका जो है वो किसानों का साफ तौर पे ही कहना है कि हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। और जितने भी नेता विपक्ष के पहुंचे हुए हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें या तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, उनको ये कहा गया है कि वो विस्टर गैलरी में बैठकर जिस तरीके से पार्लियामेंट में संसद सत्र चलता है उसी तरीके से जो किसान अपना संसद सत्र चला रहे हैं, जो दर्शक दीर्घा है उसमें तमाम ये नेता बैठकर जो किसान संसद सत्र चल रहा है उसे सुन सकते हैं। यानी साफ तौर पे राजनीति करने का मौका जो है वो किसानों का साफ तौर बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर से विपक्षी नेताओं की राजनीति का जो एक अलग तरीका है वो नजर आता है, क्योंकि 14 विपक्षी दल जो हैं वो अब जंतर मंतर का रुख कर चुके हैं। मेरे सहयोगी रविकांत भी जंतर मंतर से मेरे साथ में है। रविकांत, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी हुई, आगे की रणनीति तैयार हुई, साइकिल मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया और अब मार्च निकालते हुए किसानों के बीच में पहुंचे, और क्या तैयारी की गई है इन विपक्षी नेताओं की तरफ से? देखिए नैना, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं किसानों को अपना समर्थन देने के लिए। सबसे पहले ही विपक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि सरकार जो है पेगासस के मामले पे भी चर्चा करे और जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लेने की मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं, तो उनको वापस लेना चाहिए। सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर तैयार नहीं है। ऐसे में जो राजनीति है वो देखिए अपने पूरे चरम पर है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। किसान संसद का आयोजन लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पहले ये किसान कह रहे थे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं वो इसमें योगदान दे रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए। बड़ा सवाल उठता है कि जो किसान कह रहे थे कि वो पॉलिटिकली किसी को स्पेस नहीं देंगे, अब उनके मत का इस्तेमाल यहाँ से किया जाएगा। हालांकि किसानों का ये कहना है कि सिर्फ वो समर्थन ले रहे हैं लेकिन उनका आंदोलन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को घेरने के लिए किसानों का भी इस्तेमाल अब विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है और इसी रणनीति के तहत
पार्लियामेंट से लेकर जंतर मंतर तक ये तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपना समर्थन जताने के लिए। बिल्कुल रविकांत, आप रंजीता और अनुज लगातार बने रहिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, लेकिन आपको जाते जाते बता दें जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। विपक्षी नेता, आपको याद होगा जंतर मंतर पर जो भी प्रदर्शन होता है वो किसी ना किसी रूप में एक तरह से राजनीति का केंद्र बन जाता है। अब देखने वाली बात होगी इस प्रदर्शन का।